नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों एक बड़ी बात अरुणाचल प्रदेश को लेकर आ रही है। दरअसल अमेरिका ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बड़ा जवाब दिया है, जिसे चीन अपने दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। आखिर अमेरिका ने क्या कहा है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिरकार चाइना अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब चीन मैकमोहन लाइन को लेकर, जो कि दोनों देशों के बीच का बॉर्डर है, उसके बारे में चाइना बिल्कुल शांत बना रहा। जैसे ही अंग्रेज निकले, उसके बाद चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति को शुरू कर दिया और अरुणाचल प्रदेश को अब वो अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। और इस दावे का तो कोई तर्क वैसे भी नहीं है। दरअसल दोस्तों जातीय रूप से अरुणाचल प्रदेश के लोग मंगोलॉयड एक्सट्रैक्शन का हिस्सा है, और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं है कि अरुणाचल तिब्बत या फिर चीन का हिस्सा था। दरअसल आपको ये बात याद रखनी होगी कि इतिहास के दौरान बड़े पैमाने पर मानव प्रवास की वजह से एक सामूहिक क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, इसीलिए जातीय आधार पर राज्य की सीमाओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन चीन इस जातीय आधार को दावे के साथ पक्का कर रहा है। यही वजह है कि चाइना पूर्वी लद्दाख या फिर अन्य सीमावर्ती इलाकों के बारे में यही बात कहता है। दरअसल दोस्तों चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने और भारत के बीच विवाद का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों 1952 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें चीन ने पंचशील का हवाला दिया था, और इसके बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश में सैन्य घुसपैठ करनी शुरू कर दी, और यहीं से चीन की विस्तारवादी नीति शुरू हो गई। और यही चाइना अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करना चाहता है, इसीलिए वो सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि भारत पहले गहरी नींद में था। और ये जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था, उसमें चीनी नेताओं ने तो इस बात का साफ तौर पर दावा कर दिया था कि उन्हें अब अपना विस्तार करना है, क्योंकि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कभी भी चीनी हमले की परिकल्पना नहीं की थी, क्योंकि नेहरू ने न केवल तिब्बत को चीनी आक्रमण के लिए स्वीकार किया था, बल्कि चीन के द्वारा अरुणाचल में किए गए दावों को भी प्रभावी ढंग से खारिज नहीं किया था। और ऐसे में दोस्तों चीन मजबूत होता चला गया, क्योंकि उसको पता था कि जब भारत की सरकार ही सोई हुई है, तो अब वो अपना विस्तार आराम से कर सकता है। और यही वजह थी कि भारत को चीन के हाथ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि चीन घुसपैठ के कारण अपने कब्जे वाले क्षेत्र से हट गया, लेकिन उसने अरुणाचल प्रदेश को भारत और चीन के बीच विवादित भूमि के रूप में दावा करना कभी बंद नहीं किया। और आपको मालूम होगा कि कोई भी अधिकारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, अगर वो तवांग की यात्रा करते हैं, तो चाइना का रोना शुरू हो जाता है और आपत्ति जताना वो शुरू कर देता है। यही दोस्तों, अगर कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भी अगर तवांग की यात्रा करता है, तो उसके लिए भी चीन शोर शराबा करने लगता है। दरअसल चाइना अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो बढ़ना चाहता था, लेकिन दोस्तों उसको इस बात की टेंशन जरूर थी कि विश्व समुदाय उसके खिलाफ हो जाएगा। दोस्तों उस दौरान जब तत्कालीन सोवियत संघ था, उन्होंने भी चीन के दावे को अरुणाचल प्रदेश में कभी स्वीकार नहीं किया, और ना ही सोवियत संघ ने चाइना को समर्थन दिया, क्योंकि दोस्तों तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी, उस दौरान उन्होंने चीन के साथ नरमी बरती, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन मोड़ कब आता है? मोड़ आता है 2014 से, जब एक नई सरकार भारत में गठित हो जाती है। और चीन दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसने अपना दावा करना छोड़ दिया हो, लेकिन चाइना बहुत चालाक चीज है। उसने पहले 2014 के बाद जो सरकार आई, उसके कामों को देखा, खास करके भारत का पाकिस्तान के प्रति क्या रवैया है। जब उसको पता चला कि भारत पाकिस्तान के प्रति बिल्कुल भी नरम नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इसके अलावा पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। ये सारी बातें जब चीन ने देखी और समझी, तब वो समझ गया कि अब उसकी राह आसान होने वाली नहीं है। और चीन ने ये बात साफ कर दी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और उसने पाकिस्तान से दोस्ती करने का फैसला किया। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक कारण और है, जो भारत की वर्तमान की सरकार है, उन्होंने चीन की नीतियों की समीक्षा की, खास करके दो मामलों में, एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों, और दूसरा अमेरिका के द्वारा जो नामित व्यक्ति है, जिसे चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया था। क्योंकि दोस्तों ये तीसरी बार है जब चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी मीर को नामित करने के लिए सुरक्षा परिषद में अमेरिका और भारत का संयुक्त प्रस्ताव का विरोध किया, और भारत ने सुरक्षा परिषद में ये बात देखी कि चीन लगातार बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, और अब भारत ने चाइना को और ज्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया है। और पूर्वी लद्दाख में चीन ने ये सारी चीजें देखते हुए, जिसमें उसने भारत के आक्रामक रवैये को भी देखा, उसने पूर्वी लद्दाख में टेंशन देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत चाइना के प्रति लगातार कठोर होता चला गया, और सीमा के पास कम समय में सेना को पहुंचाने के लिए सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचे विकसित करने शुरू कर दिए, और यही नहीं, भारतीय सेना को अधिक उन्नत हथियार भी देने शुरू कर दिए गए।
खासकर की उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए। भारत ने अपनी वायु रक्षा को उन्नत किया, अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ाया। हालांकि दोस्तों उस पॉइंट पर भी मैं आऊंगा कि अमेरिका ने क्या कहा है, लेकिन ये जो इतिहास की कड़ियों से जोड़कर एक कनेक्शन बनाया जा रहा है वो समझना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों गलवान हिंसा के बाद चीन ये बात साफ तौर पर समझ चुका था कि ये भारतीय सैनिक है जो काफी मजबूत है और भारतीय सेना चीन की जमीन हड़पने वाली नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह थी कि चाइना ने पूर्वी लद्दाख सीमा पर तैनात अपने सेना कमांडरों को पीएलए से हटा दिया था और कुछ जो जूनियर अधिकारी थे जो कि भारतीय सैनिकों को पीछे धकेलने में विफल रहे उन्हें दंडित किया गया, यानी कि उन्हें पनिशमेंट दी गई। और यही चाइना की पहली स्वीकृति थी कि उसको पता चल गया था कि भारतीय सेना अगर अपने पे आई तो बहुत कुछ नुकसान कर देगी। वापस आते हैं अपने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर। दरअसल अमेरिका ने अब साफ तौर पर यह बात कह दी है कि अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अभिन्न अंग के रूप में वो स्वीकार करता है। और ये बात और ये स्टेटमेंट जो अमेरिका की तरफ से आई है वो चाइना के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ये घोषणा अमेरिका की तरफ से तब हुई है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ दिनों से गायब चल रहे थे और बीजिंग में तख्तापलट की अफवाहें चल रही थी, लेकिन ऐसे में ये सारी अफवाहें खारिज हो जाती हैं। ऐसे में चाइना का राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है उसका कार्यकाल को और बढ़ाया जाएगा और उसे और मजबूत किया जाएगा। अमेरिका ने दरअसल जो कहा है वो अरुणाचल की स्थिति पर अमेरिका के रुख को भी साफ करती है। दरअसल दोस्तों आज से 3 साल पहले अमेरिका के राजदूत वार्षिक त्वांग महोत्सव में पहुंचे थे जो कि एक सांस्कृतिक उत्सव था और इससे चाइना बौखला गया था। और यही नहीं, अक्टूबर 2016 में रिचर्ड वर्मा अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने वाले भारत के पहले अमेरिकी राजदूत बने, जिससे चीन और ज्यादा आग बबूला हो गया। क्योंकि दोस्तों चाइना भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों में जो भी परियोजनाएं चलती हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम चलते हैं, उन सब का विरोध करता है, वहीं अमेरिका इन सब चीजों का सपोर्ट करता है। वहीं दलाई लामा जी ने भी अभी कुछ दिनों पहले ये बात कही है कि वे जल्दी अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। और तिब्बत के ये आध्यात्मिक नेता दलाई लामा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक अभिशाप है। ऐसा नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश की उनकी पहली यात्रा है। दरअसल 1983 के बाद वे 7 बार अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। उनकी आखिरी यात्रा 2017 में हुई थी। अब यहाँ पर हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अरुणाचल प्रदेश पर जो चीन दावा करने की कोशिश कर रहा है वो उसकी विस्तारवादी नीति का हिस्सा है, न कि उसके क्षेत्र का हिस्सा, क्योंकि वो पहले ही अक्साई चीन में भारतीय क्षेत्र के 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन पर कब्जा कर चुका है। इसके अलावा उसने पाकिस्तान को साक्ष्म घाटी को सौंपने के लिए भी मजबूर किया, जिसकी चीन को तिब्बत में ल्हासा तक रेलवे लाइन बिछाने की जरूरत थी। वहीं दोस्तों चीन भूटान चीन सीमा पर भी जो शांतिपूर्ण माहौल है उसकी स्थिति को बिगाड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार के प्रतिरोध की वजह से उसकी विस्तारवादी जो नीति है या उद्देश्य है वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ऐसे में दोस्तों भारत को पूरे चीन भारतीय हिमालय सीमा पर चौकसी रखने की जरूरत है, और ये चौकसी जो हो रही है अभी तक वैसे नहीं बल्कि और ज्यादा सख्त, ताकि भारत अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रह सके। तो यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि अमेरिका ने भी भारत का समर्थन कर दिया है और चीन के दावों पर पानी फेर दिया है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।